हेलो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रॉयल नंबर 23 का पोस्टर रिवील हो चुका है, उसके बारे में हम बात करेंगे। एलेक्सा लिस्टर ब्लैक के बारे में, बॉडी रोड्स के बारे में, पैट मैकेफे के बारे में, बॉडी बोर्ड सही न्यूज निकल कर आ रही है। फर्स्ट चले हम पैट मैकेफे के बारे में। तो पैट मैकेफे को स्मैकडाउन कमेंट्री से अभी ब्रेक लेना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने इस ESPN फुटबॉल गुड डे करके कहीं उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है फुल डे फुटबॉल के लिए। उस समय तक नहीं, 4 मंथ के लिए से ब्रेक लेना पड़ेगा। पैट मैकेफे ने कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हुए ये भी कहा था कि मैं WWE को भी देख लूंगा और ESPN जो फुटबॉल होने वाला है दोनों का समझ लूंगा। ट्रिपल एच ने बोला तुम्हें ये इतना रोड लेने की जरूरत नहीं है, के लिए तुम 3 या 4 महीने का ब्रेक ले लो। WWE यूनिवर्स तुम्हारे साथ है, हम भी तुम्हारे साथ हैं। ट्रिपल एच ने ये एक मस्त पॉजिटिव थिंग दिखा है सुपर स्टार की तरफ कमेंटेटर के खिलाफ। आप इससे खुश है क्या, हमें जरूर करके बताइए। 3 या 4 मंथ के लिए हम पैट मैकेफे को मिस करने वाले हैं, क्योंकि उनकी कमेंट्री एकदम फायर है। देखते हैं उनकी जगह किसे लाया जाता है। नाम के रूप में क्योरी ग्रेव्स या पुकर्टी जैसे नामों की चर्चा हो रही है। आगे चले, नेक्स्ट बात की जाए गुंथर की। गुंथर ने ट्विटर पर पोस्ट की है जो एकदम जोरदार है, एपिक पोस्ट है। उन्होंने लिखा है व्हाट इज नेक्स्ट और एक फोटो डाली है अपने सिगार के। सेमस ने ट्वीट करके बताया है कि वी गो अगेन # प्रैंग राफ्टर बैंगर। तो ये गुंथर की पोस्ट आपको कैसी लगी दोस्तों, मैं बताऊं मेरी तरफ से गुंथर वर्सेस एक्सट्रीम रूल्स में होना ही चाहिए। जिस तरह का मैच उन्होंने क्लैश एट द कैस्टल में दिया है, ये एक स्टिपुलेशन के साथ होना चाहिए और एकदम जोरदार मैच हो सकता है। नेक्स्ट बात की जाए मलाकाई ब्लैक, जिसे हम एलिस्टर ब्लैक के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने अभी कुछ टाइम पहले AEW से रिलीज की डिमांड की थी, पर वो रिलीज को रिजेक्ट कर दिया गया था। पर अभी रिपोर्ट्स का मानना ये है कि उन्होंने वापस AEW से रिलीज की मांग की, तो उनकी रिलीज को अप्रूव कर दिया गया है और वो AEW से रिलीज हो चुके हैं। और रिपोर्ट्स का मानना ये भी है कि 90 डे क्लॉक के रिलीज में है, तो 90 डे तक वो कहीं भी किसी भी रेसलिंग कंपनी में जाके काम नहीं कर सकते। रिपोर्ट्स ये भी है कि वो कुछ मेंटल हेल्थ के इश्यू के चलते उन्होंने AEW से रिलीज लिया है। देखते हैं वो मेंटल हेल्थ का हेल्थ सही हो जाए, इसके बाद क्या वो WWE में वापस रिटर्न करे हैं, ये भी देखने लायक होगा। बाकी जाए रॉयल नंबर 23 के पोस्टर के बारे में, रॉयल नंबर 23 का पोस्टर सामने आ चुका है। पोस्टर में रोमन रेंस, रॉक लेसनर, एज, बायंका ब्लेयर, एजे स्टाइल, रोंडा राउजी, ड्रू मैकइंटायर, मैट रिडल, बॉबी लैशली, सेथ रॉलिंस, लिव मॉर्गन, द उसोस, ऑस्टिन थ्योरी और सारे ही जो मेन WWE मेन रोस्टर के सुपरस्टार है वो इस पोस्टर में नजर आ रहे हैं। पोस्टर तो एक अच्छा लग रहा है, और हमें रोमन रेंस और रॉक लेसनर फेस टू फेस नजर आ रहे हैं, तो क्या वापस रोमन रेंस वर्सेस रॉक लेसनर होने वाला है दोस्तों? जो तो नहीं लग रहा है। फैंस सारे फैंस का मानना यही है कि रोमन रेंस वर्सेस रॉक लेसनर वापस ना हो जाए। नेक्स्ट बात की जाए कोडी रोड्स के बारे में, तो जब से रॉयल नंबर 23 का पोस्टर बाहर निकल कर आया है, सारे सोशल मीडिया अकाउंट पर WWE जो फैंस है उनका मानना ये है कोडी रोड्स अपना रिटर्न रॉयल नंबर 23 में कर सकते हैं, क्योंकि पोस्टर में वो कहीं भी देखने को नहीं मिल रहे, इसलिए WWE उनका सर्प्राइज रिटर्न करवा सकते। और रिपोर्ट्स का मानना ये भी है अभी फिलहाल कोडी रोड्स रॉयल नंबर तक फिट हो सकते हैं और उसके बाद वो रिटर्न कर सकते हैं और वो रॉयल नंबर जीत भी सकते हैं। देखते हैं क्या और रॉयल नंबर जीतेंगे। और आपको गुंथर की वो पोस्ट कैसी लगी हमें कमेंट पर जरूर बताएं। और पैट मैकेफे ने ये ब्रेक विंस मैकमैन से मांगा होता तो विंस मैकमैन का जवाब कुछ इस प्रकार होता, यू आर फायर। ट्रिपल एच अपने एम्प्लॉयर्स को ट्वीट करना चाहते हैं कैसे जो भी करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब।